ऑल ऑफ यू बच्चों, चलो आज हम देखेंगे रिवीजन में। अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। मैंने मेरी गोल्ड की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी है, ओके। तो आप ऐप्स पे देख लेना, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट विथ आंसर के साथ ही। आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, बट हम रिवीजन कर लेंगे, ओके, एक वन टाइम। तो आपकी पेशेंट पेपर रहेगी 15 मार्क्स के रहेगी, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन वन रहेगा, राइट करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स, ओके, 10 मार्क्स की रहेगी। क्वेश्चन नंबर टू ए रहेगी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको जो वर्ड देंगे उसके आपको फिल करना है ब्लैंक, ओके। फिर बी है क्वेश्चन टू बी, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस पे आपको टिक मार्क करना है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री ए, ये सारा आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये सारा अभी मैं आपको आंसर के साथ में करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री ए है, लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। अभी पिक्चर को देखना है और करेक्ट वर्ड पे आपको सर्कल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री बी रहेगा, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क द करेक्ट वर्ड। अभी लुक पिक्चर को देखना है और करेक्ट वर्ड पे टिक करना है। क्वेश्चन फोर ए रहेगा, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट हैंड नेम्स विद द हेल्प टू वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव ए रहेगा, राइट द वर्ड्स एंड राइमिंग विद गिवन वर्ड। राइम्स लिखने विद गिवन वर्ड्स, ओके। फिर राइमिंग वर्ड्स लिखना है, ओके। फिर क्वेश्चन बी, लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट साउंड वर्ड्स, ओके। अभी आप ये सारे एक्सरसाइज देखोगे तो इस आपको समझ में आ जाएगा ये सारे क्वेश्चन। अभी नाउ क्वेश्चन नंबर ए हम स्टार्ट करेंगे, ओके बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन ए है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स, ओके। तो फर्स्ट है, वेर इज द एप्पल, तो अंडर द ट्री, डाउन द ट्री, इन द ट्री एंड अप द ट्री। तो एप्पल कहाँ था, ओके। तो नाउ आंसर इज अप द ट्री, तो डी में यहाँ पर लिखना है, ओके, डी। फिर सेकेंड है, व्हाट डज द बॉय विज ही वेयर, बच्चा क्या बनना चाहता था, ओके। तो एन एप्पल, बी है अ बर्ड, सी है अ ट्री, अ बॉय, तो एन एप्पल। तो यहाँ पर ए राइट करना है, ओके। फिर आंसर ए है तो ए यहाँ पर राइट करना है, ओके, एन एप्पल, ओके। फिर थर्ड है, एन एप्पल ग्रो ऑन अ डेस्क, कहाँ पर ग्रो होता है एप्पल, अ ट्री, बिगली, सी फ्री या डी बी, तो यहाँ पर ग्रो होता है ट्री पे, ओके। तो आंसर इज ए, तो यहाँ पर ए लिखना है, ओके। फिर फोर नंबर, टीना डैश एन एप्पल, तो क्रेव, न्यू क्रेव या ड्रू, तो टीना यहाँ पर फोर नंबर, ग्रेव मतलब कि उगाना, ओके, तो सी नंबर, सी ऑप्शन। फिर फाइव नंबर है, अमित इज अ डैश बॉय, तो अमित ए राइस, बी नाइस, सी स्लाइस या डी डाइस, तो कैसे बॉय है बच्चा अमित, यस, दो नाइस, यहाँ पर ऑप्शन इज बी, यहाँ पर राइट करना है बी, ओके। फिर सिक्स नंबर है, वेयर डज द बर्ड सी द फ्रूट, अभी इन अ ट्री, ऑन अ रूफ, अंडर अ ट्री, इन अ बाउल, तो वेयर डज द बर्ड इन द फ्रूट, ओके, द इन अ ट्री, ऑन अ रूफ, अंडर अ ट्री, इन अ बाउल, तो यहाँ पर इन अ ट्री ऑप्शन इज ए, तो यहाँ पर आंसर लिखना है ए। सेवन नंबर है, व्हाट डज द बर्ड्स डू, तो अ ड्रॉप द बेरी, बी बाइट द बेरी, ईट्स अ बेरी एंड प्लक द बेरी, तो आंसर इज इट्स अ बेरी, ओके। हमने ये सारे एक्सरसाइज देखे, लेसन्स पढ़े तब हमने ये सारा किया था, ओके। तो आपको अभी ऑप्शंस क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना है, ओके बच्चों, जिसमें से रहेगा आपके एग्जाम में। तो एट नंबर है, व्हाट डू द प्लांट्स नीड टू ग्रो, अभी प्लांट को ग्रो होने क्या चाहिए, द अ सीड, बी है क्लाउड एंड रेन, सी लीव या डी सन एंड रेन, तो सन एंड रेन, ओके, डी। फिर नाइन नंबर, मुरली एट अ डैश, तो अ बनाना, क्रैब, सी मैंगो या एप्पल, तो आंसर इज मैंगो, ओके, तो यहाँ पर सी राइट करना है। फिर व्हाट ग्रो ऑन द मुरली इज ट्री, तो
coconuts, B lemon, C mangoes या D apple. तो now answer is mango. तो यहाँ पर C right करना है. okay. फिर what does the child wish to be? अभी A breeze, B rain, C a kite and D है option bird. तो a kite. okay. तो answer is C. okay. फिर next है the child wishes to go with ever way way. A the birds fly, B है the wind blow and C the kites fly and the breezy blue. तो अभी यहाँ पर B the wind blue. wind blue. okay. तो answer is B. third है a turtle dash a walk crawls hops या run. तो answer is B. okay. answer is B. okay. यहाँ पर लिखना है बी. ओके. द व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड. टर्टल की हाउस को क्या कहते हैं. तो सेल, टेल, रूफ या हेड. तो आंसर इज ए सेल. ओके. तो आपको यहाँ पर ए राइट करना है. ओके. आई लाइक टू ईट डैश एंड बटर. ओके. तो आई लाइक टू ईट डैश एंड बटर. तो अ. ओके. क्या है ब्रेड. आई लाइक ईट ब्रेड एंड बटर. ओके. तो आंसर इज ए. यहाँ पर है ब्रेड और ट्रेड है तो हमें आंसर ए. ओके. व्हाट वाज द सुंदरी. तो अ बोट, अ बलून, अ काइट एंड अ डॉग. तो क्या होगा आंसर. यस, अ काइट. हमने ये सुंदरी वाली लेसन भी पढ़ी थी. ओके. तो आंसर इज सी. यहाँ पर आपको बॉक्स में सी लिखना है. ओके. हेलो बच्चों, अभी देखो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2A है. फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. हमने वो टाइगर एंड मॉस्किटो वाली स्टोरी पढ़ी थी, उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक आएगी. ओके. तो फर्स्ट है यहाँ पर ए, ऐसे बॉक्स होगा. ओके. उसमें से आपको चूज करके आंसर फिल करना है. डैश पहले है ए. डैश वॉज अ डजिंग अंडर अ ट्री. तो टाइगर. ओके. बी है अ मॉस्किटो कम डैश बाय. तो बजिंग बाय. ओके. फिर थर्ड है द मॉस्किटो सेड आई एम नॉट डैश ऑफ यू. तो अफेड. ओके. मैं आपसे, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, ऐसे बोल रहा था ना मॉस्किटो. ओके. टाइगर से. तो अफेड, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ. ओके. फिर फोर है द टाइगर वॉज डैश ही हिट ऑन आउट विज विथ हीज पो. ओके. तो एंग्री हो गया. एंग्री क्या होगा आंसर. एंग्री. फाइव नंबर है द टाइगर हीट आउट विथ हीज पो. ओके. फिर सिक्स नंबर द मॉस्किटो डैश अवे बज्ड अवे. ओके. फिर सेवन है द पो स्ट्रक द टाइगर्स चीक. हमने इस टाइगर और मॉस्किटो की स्टोरी देखी थी, तब हमने सारी फिल इन द ब्लैंक भी ऐसे इस तरह स्टोरी पढ़ते हुए समझा था. ओके. फिर द टाइगर वॉज डैश ही वॉक अवे, मतलब कि टाइगर हेल्पलेस हो गया था. ओके. फिर नाइन नंबर है द मॉस्किटो से डोंट बी सो प्राउड है. फिर टेन नंबर है एवरीवन इज अ डैश इन द ओवन वे. तो ग्रेट. ओके. नाउ अंडरस्टैंड इट बच्चों, यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक होगी. ओके. फिर आगे होगी आपको क्वेश्चन नंबर टू बी. लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क द करेक्ट सेंटेंस. अभी ये तो आंसर के साथ मैंने दे ही दिया है, बट हम रिविजन कर लेते हैं वन टाइम. ओके. ये है देखो, यहाँ पर ट्री है, मैंगो ट्री है, उसके ऊपर मैंगो भी है. देखो तो यहाँ पर सेंटेंस है दो. दिस इज अ मैंगो ट्री एंड दिस इज अ एप्पल ट्री. तो ये नो मैंगो ट्री है. देखो यहाँ पर मैंगो दिखा रहे. तो यहाँ पर राइट करना है ये सेंटेंस. राइट है, यहाँ पर राइट करना है. फिर यहाँ पर एक लड़की है जो झूला कर रही है. ओके. झूला तो झूल रही है. तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं. फर्स्ट सेंटेंस मीना इज ऑन अ बेंच और मीना इज ऑन अ स्विंग है ना. तो कहाँ पर है, स्विंग के ऊपर है. तो यहाँ पर राइट करना है. ओके. फिर देखो ये थर्ड है जो यहाँ पर लड़के हैं जो प्लांट पे पानी दे रही. ओके. तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं. टीना इज अ प्लांटिंग अ सीड. टीना इज अ वाटरिंग अ प्लांट. देखो वाटर करें ना, ये आंसर सही है. ओके. फिर यहाँ पर एक लड़का है जो क्लाइंब करना है. तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं. ज इज अ क्लाइंबिंग अप अ ट्री. ओके. ज इज अ क्लाइंबिंग अप अ स्लाइड.
कोई स्लाइड नहीं करना है, अप और थ्री, थ्री पे चल रहा है फिर तो ये आपको टेक आउट करनी है। फिर डैश है दे आर प्लकिंग एप्पल्स, दे आर प्लकिंग मैंगो, यहाँ पर एप्पल प्लकिंग कर रही है तो यहाँ पर एप्पल पे राइट करना है। ओके प्लकिंग, ये लोग क्या कर रहे हैं, एप्पल टूट रहे हैं। ओके नाउ देर इज अ हाउस इन द ट्री, ओके देर इज अ हाउस इन द ट्री और देर आर नेस्ट इन द ट्री, तो यहाँ पर हाउस है, ओके हाउस नहीं है बट नेस्ट, ओके तो ये राइट आंसर है, देर इज नेस्ट इन द ट्री। समझ में आया बच्चों, ये पीछे देख के आपको करना है टेक आउट। ओके आगे चलो बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3A, लोकेट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। अभी पिक्चर को देखना है और उसकी आवाज़, बच्चों यहाँ पर देखो ये क्रो है बर्ड्स, ओके तो यहाँ पर क्रोस तो काउ, ओके क्रो कैसे बोलते हैं काउ या कू, तो नो काउ, काउ पे सर्कल करना है। ओके ये है डक, ओके डक की पिक्चर है, ओके ये क्या कैसे कहते हैं डक्स क्वैक क्वैक, ओके तो नाउ आंसर इज क्वैक, तो क्वैक को करेक्ट करना है। ओके फिर ये है मधुमक्खी है बी, ओके तो नाउ बी इज अ बज, ओके तो बी इज बज, ओके तो ये यहाँ पर बज पर सर्कल करना है। ओके फिर ऐसे तो मैंने ये आपको विथ आंसर के साथ में ही दे दिया है। ओके नेक्स्ट है पैरोट, ओके स्क्रीच बर्ड्स हैं, ओके पैरोट है, ओके तो पैरोट इज अ स्क्रीच, ओके फिर नेक्स्ट है कुकू, ओके कोयल है कुक, ओके ये कौन है पिजन, ओके नाउ दिस इज अ पिजन, पिक्चर ऑफ पिजन तो कुक, और ये है हैन, हैन क्लॉक, ओके आंसर इज क्लॉक। ओके बच्चों समझ में आए ये आपको, ओके नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। अभी देखो बच्चों यहाँ पर लुक एट द पिक्चर्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3B है लुक एट द पिक्चर्स टिक मार्क करेक्ट वर्ड्स। अभी यहाँ पर है ये किसकी पिक्चर है, यस तो चीकू की है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कोकोनट एंड चीकू, तो दिस इज अ राइट आंसर। ओके यहाँ पर आपको राइट करना है। फिर नेक्स्ट है ये वाटरमेलन है, ओके तो यहाँ पर लिखा है वाटरमेलन और पाइन एप्पल, तो यहाँ पर वाटरमेलन पे राइट करना है। फिर है ये कोकोनट और ग्वावा, तो ये कोकोनट है तो कोकोनट पे टिक करना है, ये ग्वावा है तो कोकोनट पे राइट आंसर। फिर यहाँ पर है मैंगो है, मैंगो है नो पाइन एप्पल है ना, तो यहाँ पर मैंगो लिखा है पाइन एप्पल लिखा है, तो पाइन एप्पल पे आपको टिक आउट करना है ना बच्चों। अभी समझ में ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 3B, क्वेश्चन नंबर 3B में देख लो बच्चों ये भी इस तरह से ये है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स एंड ऑरेंज, तो आप यहाँ पर और ग्रेप्स हैं तो ग्रेप्स पे टिक करना है, ये वाटरमेलन है तो पपैया एंड वाटरमेलन, तो वाटरमेलन पे टिक करना है, ये है एप्पल तो पाइन एप्पल और कोकोनट तो पाइन एप्पल पर टिक आउट करना है। ओके ये है ऑरेंज एंड मैंगो, तो ये मैंगो पे टिक करना है, और नेक्स्ट है ये देखो बच्चों एप्पल एंड बनाना, तो आपको किस पे टिक करना है, यस बनाना पे, ओके नाउ इज बनाना। ओके समझ में बच्चों ये क्वेश्चन नंबर, ओके बच्चों देखो अभी यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट है नेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अभी यहाँ पर थोड़े पिक्चर दिए गए हैं, बॉक्स में उसके नेम दिए गए हैं, तो आपको उनके नेम बॉक्स में से चूज करके लिखना है। ये है गोट, GOAT गोट है ना, तो यहाँ पर है ये गोट, ओके यहाँ पर लिखा है गोट, तो यहाँ पर आपको राइट कर देना है। फिर नेक्स्ट पिक्चर है किंग, तो KING किंग, फिर लैम्प, ओके तो दिस इज अ लैम्प, ओके यहाँ पर लैम्प, ओके फिर टाइगर प्लांट सॉक्स पिन स्टिक, यहाँ पर पेपर है टॉवेल है माउस एंड ग्रेप्स, इस तरह से आपको पिक्चर आएंगे उसके नेम राइट करने कर देना है। मैंने PDF प्रोवाइड कर दी है, उसमें है सारे पिक्चर्स एंड नेम, उसके नेम लिख लेना है। ओके बच्चों फिर यहाँ पर देखो बच्चों ये है स्टार डोर ड्रम विंड डक केक बेल शर्ट स्पून शूज हॉर्स एंड लास्ट है ग्रास। ओके फिर नेक्स्ट फिश बर्ड सीप
नेश रेन बुक एप्पल स्विंग मैंगो क्लाउड ट्रेन एंड हाउस. समझ में आया बच्चों? ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 रहेंगी. ओके नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5A. राइट वन वर्ड दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड. अभी यहाँ पर गिवन वर्ड के राइमिंग्स वर्ड राइट करना है. ओके तो लिंक लिक क्लिक. ओके तो सो पो. फिर है लुक तो बुक. हाउस माउस. फ्राइड हाइड. क्राउन ग्राउंड. और ग्लो ब्लू. ओके ये देखो ए ए डब्ल्यू है तो यहाँ पर एस ए डब्ल्यू, तो यहाँ पर पी ए डब्ल्यू. लास्ट वाले जो लेटर हैं वो सेम रहेंगे. ओके मतलब कि प्रोनाउंसिएशन इसकी सेम रहेंगी. ये हमारे राइमिंग वर्ड से गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 5A में रहेंगे. ओके बच्चों समझ में आया बच्चों? अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. देखो बच्चों अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5B. लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट साउंड वर्ड. अभी यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसकी साउंड होती है ना, कुछ भी काम करते हैं तो इसकी. देखो हम डोगी, डोगी की साउंड कैसे थे, भों भों ऐसे होते हैं. फिर ये हम गाड़ी, बहुत जूम गाड़ी चलाते हैं तो उसकी साउंड थी जूम. ओके फिर है ये गर्ल्स रो रे तो भू ऐसे. ओके फिर ये लड़का है जो डोर को करना है तो बैंक, उसकी आवाज़ को कहेंगे बग. बैंक पे आची, हम रूमर पे कहते हैं ना आचू ऐसे. ओके ट्रेन ट्रू ट्रेन कैसे कहते ऐसे. ओके ये इसकी साउंड है. फिर ये लड़का हा 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 स्माइल कर रहा है. ओके फिर ये लड़की वो रो रही है जिससे आवाज़ हो रही है. ओके फिर ये घोड़े की हॉर्स की है ना क्लिप क्लॉप ऐसे आवाज़ हो रही है. ओके फिर ये गिर जा रहा है, लड़का गिर रहा है धड़ाम, देखिए दब करके पड़ता है ना दब. ओके ये फिर हमें दिवाली में फटाकड़ा ब्लास्ट करते हैं फायर. ओके तो बूम किसी आवाज़ आती है बूम. ओके फिर ये घड़ी की आवाज़ है टिक टॉक टिक टॉक है. फिर यहाँ पर लड़की एंड बॉयज एंड गर्ल्स बारिश में नहा रहे तो पिटर पैटर क्या कहेंगे इसकी आवाज़ को, पिटर छुप 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 कहते हैं तो पिटर पैटर. फिर ये बेल की आवाज़ है तो डिंग डोंग. ओके इस तरह से आपको ये सारी आवाज़ें देख लेना है. ओके आपको ये एग्ज़ाम में रहेगी. ओके बच्चों अंडरस्टैंड. अभी ये हमारा एक्सरसाइज रिवीजन वीडियो ख़त्म हुआ. पीडीएफ आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है जो आपके ऐप्स पे डाल दी है, तो आपके फ़ोन नंबर डाल देना है ऐप्स पे. अगर नहीं मिल रही है तो आप स्कूल्स पे कांटेक्ट करें. ओके तो नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन. बैक करो.